Hey there, this is Prank Verma and let's get start with another lecture on semiconductor. Okay, I think it will be a fourth lecture on semiconductor. Okay, और हमने पिछले लेक्चर में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ चुके हैं. लेट मी रिमाइंड यू what वॉज द हाफ वेव रेक्टिफायर. ओके, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था? एक लड़की की तुम्हें क्या सुनाऊं दास्तां, वो लड़की थी सबसे जुदा, यहाँ लगा दिया रेक्टिफायर हाफ हाफ वेव रेक्टिफायर लगा दिया तो क्या हुआ, आउटपुट ऐसा हो गया, जहाँ पे निगेटिव था वहाँ जीरो हो गया, वहाँ पे आउटपुट आया ही नहीं, वहाँ पे कोई करंट नहीं थी विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, वहाँ पे कोई आउटपुट नहीं था. आउटपुट केवल कहाँ मिला? वेयर विल बी द आउटपुट? आउटपुट वॉज एट व्हेन द करंट वॉज, क्या बोले उसको, पॉजिटिव. ओके, कैसा सर्किट था उसका? हमने टू 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 टू, ठीक है, ऐसा कुछ बनाया था, कुछ भी बना दो ऐसा, ठीक है. और यहाँ पे लगा दिया था डायोड, यहाँ पे लगा दिया था लोड, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस बोलेंगे इसको अपन लोग. ओके, यहाँ पे भाई जब पॉजिटिव निगेटिव था तो एट दैट मोमेंट डायोड वॉज पॉजिटिवली बायस, दैट मीन्स फॉरवर्ड बायस. ओके, एंड एट दैट टाइम द डायोड विल गिव द आउटपुट. ओके, डायोड इज समथिंग विच कैन गिव आउटपुट व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस, एंड व्हेन इट इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस देन देयर विल बी नो आउटपुट. ओके, दिस इज कॉल्ड डायोड. ओके, सो इन हाफ साइकिल अप टू दिस, दिस टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, दिस टर्मिनल विल बी निगेटिव, सो डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, सो डायोड विल गोइंग टू बी गिव अ करंट. ओके, सो करंट विल बी गिवन बाय द डायोड एज इट इज नॉट गोइंग टू रजिस्टर द करंट. ओके ओके, सिट्टी की आवाज़ आई तो माफ़ करिएगा, ठीक है, मेरे आलू उबल रहे हैं. हाँ, मैं आलू का पराठा खाऊँगा अब जाके, ठीक है. नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, है ना, तो सबसे पहले तो हैप्पी नवरात्र टू ऑल ऑफ यू. ओके, और जो नवरात्र नहीं बनाते उनके लिए नॉर्मल डे है तो नॉर्मल रहो. ओके, हाँ, तो इन सेकेंड हाफ साइकिल, सो लेट्स सी द टर्मिनल विल चेंज निगेटिव एंड पॉजिटिव. सो राइट नाउ दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस, एंड व्हेन रिवर्स बायस, व्हेन अ डायोड इज इन रिवर्स बायस देयर इज नो करंट, देयर विल बी जीरो करंट. ओके, तो डायोड कैसी डिवाइस है जो फॉरवर्ड बायसिंग में आपको आउटपुट देगी एंड रिवर्स बायसिंग में नहीं देगी, दैट इज कॉल्ड डायोड, ठीक है. चलिए, सिंपल था ये सब चीज़ें. अब देखिए, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ को हटाओ फुल लगाओ, ठीक है. हाफ में मौजा नहीं आया, क्यों नहीं आया मौजा? मौजा ही मौजा, चांस ले ले हुड, मौजा ही मौजा. सुना है क्या ना शाहिद कपूर का, मिक्खा सिंह का, सुन लिया करो यार, कुछ तो सुन लिया करो, ठीक है. फुल वेव रेक्टिफायर क्यों नहीं मजा आया? एक्चुअली हाफ वेव रेक्टिफायर जो था, व्हाट वाज द हाफ वेव रेक्टिफायर, इट इज़ गिविंग द आउटपुट जस्ट हाफ टू द इनपुट. इनपुट का आधा आउटपुट मिल रहा था यहाँ पे, मतलब आउटपुट इनपुट जब भी पॉजिटिव होगा देन इट विल गिव, एंड जब निगेटिव होगा वो नहीं देगा. मजाक है क्या, है मजाक है क्या? मतलब हम 100 जूल एनर्जी दें, ठीक है, इफ़ आई गिव 100 जूल ऑफ एनर्जी, इट विल पास ओनली 50 जूल, 50 को हटा देगा. मजाक चल रहा है क्या? सोचो, फिल्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब 50% को गायब कर दिया, ऐसा फिल्टर कैसा? रेक्टिफायर इज अ टाइप ऑफ फिल्टर विच कैन फिल्टर द करंट. ओके, एसी टू डीसी, एसी में से डीसी छाट छाट के दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए. तो जुगाड़ लगाना था आप में, ठीक है, एज रेक्टिफायर वॉज अ डिवाइस, वो जुगाड़ था एक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट था, जुगाड़ था, जिसमें अपन लोगों ने मतलब इंजीनियरिंग के थ्रू कुछ सिस्टम बनाया कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का. ओके, नाउ अनदर साइंटिस्ट कम विद अनदर जुगाड़. देखो, अनदर जुगाड़ क्या हो कि हम ये जो नेगेटिव इनपुट था ना, नेगेटिव इनपुट, इसमें भी पॉजिटिव आउटपुट ले लें, इसमें भी पॉजिटिव आउटपुट ले लें, तो अपना जो करंट होगी, मतलब जब पॉजिटिव होगी तब तो देगा ही करंट, बट जब निगेटिव होगी करंट तब भी आउटपुट देगा, मतलब हमें 100 जूल कन्वर्टेड हो जाएगी कम्प्लीटली में.
हाँ वो बात अलग है, वहाँ पे फ्रिक्वेंसीज में चेंज होगा, ठीक है, इंटेंसिटी में चेंज होगा, एम्पलीट्यूड में चेंज होगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होगी, जीरो होगी लेकिन अपोजिट नहीं जाएगी, जीरो होगी लेकिन अपोजिट नहीं जाएगी। इससे हम अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं, इससे हम अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं, समझ में आया, नहीं तो नहीं चला पाते। मतलब कोई भी आप बल्ब वगैरह कुछ भी देख रहे हो, बल्ब देख रहे हो, मोबाइल का चार्जिंग देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वट एवर यू आर सीइंग दैट, कि भाई यदि उसमें रेक्टिफायर ना हो, वहाँ पे हम अपनी एसी को डीसी में ना कन्वर्ट करें, तो रेक्टिफायर ना हो तो क्या होगा, एक बार लाइट चलेगी कुछ सेकंड के लिए और फ्यूज़, क्यों, क्योंकि वो अपोजिटली चार्ज हो जाएगी, उस तरीके से बल्ब नहीं बने हुए, उस तरीके से मोबाइल का चार्जर नहीं बना हुआ, इसीलिए रेक्टिफायर बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक, नाउ सो अपन लोग क्या जुगाड़ लगाते हैं, ओके ये लगाया दूसरा, ठीक है, आप सब लोग इंडक्शन पढ़ चुके हो, दिस विल बी म्यूचुअली इंडक्टेड, ओके, और यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू करंट फ्लो होगा, ओके, हमने यहाँ पे एक जुगाड़ लगा दिया, हम चाहते हैं डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग में रहे, डायोड मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायसिंग, ओके यहाँ पे भी ठोक दो, लगाए बस काम खत्म हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ काम, हमें दूसरा टर्मिनल भी तो चाहिए, क्योंकि देखो यदि ये पॉजिटिव हो गया, ये फॉरवर्ड बायसिंग होगी, तो ये तो रिवर्स बायसिंग में जाएगा ना, तो ये तो करंट नहीं फ्लो होने देगा, ये तो होने देगा, ये फ्लो होने देगा, लेकिन ये नहीं होने देगा, तो एट दैट मोमेंट अपने को कोई और ऐसा वायर चाहिए जो करंट को फ्लो होने दे, जो करंट को फ्लो होने दे, लेट द करंट बी फ्लो, तो ये हमने दूसरा टर्मिनल बनाया विद अ जॉकी, ओके, और इन दोनों को कनेक्ट किया पैरेलल से, एंड दिस इज कनेक्टेड टू द लॉर्ड, जो भी लॉर्ड है, जो भी लाइट है, जो भी कुछ है, सब कुछ इसी से कनेक्ट कर दिया। नाउ लेट्स सी हियर व्हाट विल हैपन, व्हाट गोइंग टू बी हैपन, ये वायर ओपन हो गया था, ठीक है था, ठीक है अभी भी हो रहा था, ठीक नाउ राइट नाउ, ठीक है भाई, देखो हाफ साइकिल में व्हेन इट इज पॉजिटिव एंड इट इज नेगेटिव व्हाट विल हैपन, ओके करंट, देयर इज नो करंट इन फ्लो दिस सर्किट बट देयर विल बी अ करंट, क्यों, दिस डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस, फर्स्ट डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट डायोड, ठीक है, फर्स्ट पी टाइप ऑफ डायोड, ओके, एंड द नेगेटिव टर्मिनल वॉज कनेक्टेड टू द पी टाइप ऑफ सेकेंड डायोड, ओके, देन द फर्स्ट विल बी फॉरवर्ड बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायस्ड एंड द सेकेंड वन इज इन रिवर्स बायस, ओके, सो देर इज नो करंट इन सेकेंड डायोड बट देर विल बी अ करंट इन फर्स्ट डायोड, ओके, नाउ एट दैट मोमेंट इफ दिस इज पॉजिटिव देन द दिस जॉकी स्लाइडर जॉकी, ओके, इट इज इन नेगेटिव, ओके, With respect to this terminal, it is in negative. Okay, so the current path will be like this. Tha, tha, thu, tha, thas. Bas. Is it? Yes, it is. Clear hai? So half cycle mein, when it is in positive, so there will be a current. Always be a current. Okay. ये तो हम नॉर्मल में भी ले रहे थे, हाफ वेव में भी ले रहे थे, फुल वेव का मजा क्या है, सो नेगेटिव साइकिल देखते हैं, दिस इज पॉजिटिव राइट नाउ, दिस इज नेगेटिव, ओके व्हाट विल हैपन, नाउ द सेकंड डायोड इज इन फॉरवर्ड बायसिंग, यस इट इज, ओके, एंड देर विल बी नो करंट इन डायोड फर्स्ट डायोड, व्हाई द फर्स्ट डायोड इज इन रिवर्स बायस नाउ एज द टर्मिनल वॉज चेंज्ड, as the terminal was changed the first diode is in reverse bias and the second diode is in forward bias due to which there is a current flow through the second diode and there is no current in first diode, okay, so the direction of the current were changed, okay, and right now the slider jockey with respect to this will become negative, wo to hamesha negative rahegi aur करंट विल फ्लो थ्रू दिस, यही तो हम चाहते थे करंट फ्लो हो जाए, बट वी वॉन्ट,
करंट फिर से आ गया। और देखो करंट की डायरेक्शन सेम रही, पहले ऐसे थी, अब भी तो ऐसे ही है। यहाँ से देखो, यहाँ से तो ऐसी है ना, लोड में कैसे आ रही है यहाँ पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कैसे आ रही है जो अपना वर्क लोड है उसमें तो इसी तरफ से आ रही है ना करंट, यहाँ से चेक कैसे भी आ रही हो इट डजेंट मैटर, दीज आर इन पैरेलल, ओके, सो देर इज नो मैटर विद दीज थिंग्स, बट द डायरेक्शन ऑफ द करंट रिमेन सेम, दैट्स वाई द मैग्नीट्यूड विल बी अपॉन। सो राइट नाउ द करंट विल बी लाइक दिस, द आउटपुट ऑफ द करंट will be like this, and as you can see it doesn't matter ki the direction of the current and the terminal of the current was kaisa hai, kaun hai, kya hai, it doesn't matter, but the current will be positive at all, okay, always be positive, okay, current will always be positive in the magnitude and always be in same direction. और यही तो हम चाहते थे कि if we can make the direction of the current constant, okay, we can make the direction of the current constant, so that will be a DC current, that will be a DC current. What is the definition between DC current, okay, DC current की direction definition क्या थी? तो DC current की definition यही तो थी कि डायरेक्शन शुड बी कॉन्स्टेंट, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। माइट बी पॉसिबल द मैग्नीट्यूड चेंजेज और नॉट, माइट बी पॉसिबल द मैग्नीट्यूड चेंजेज और नॉट, उसका उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट द डायरेक्शन शुड बी सेम एंड द डायरेक्शन विल बी सेम एज आई मैंशन हियर, ओके, सो दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। सो यहाँ से हमें समझ में आया कि हम 50 जूल प्लस में या 50 जूल निगेटिव में देंगे, दैट इज टोटल 100 जूल, सो हमें 100 जूल पॉजिटिव में मिलेगा, सेम डायरेक्शनल मिलेगा। हाँ, द वैल्यू विल बी प्लस और माइनस, बट डायरेक्शन विल सेम, इसीलिए हम लाइट में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, ओके, जो भी कोई बल्ब वगैरह जलता है आपका, कोई भी कुछ भी चलता है उसमें फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट ए सी करंट टू ए प्योर डी सी करंट, टू ए प्योर, दिस इज इट इज अ डी सी करंट बट इट इज नॉट प्योर करंट, प्योर करंट नहीं है ये, प्योर डी सी नहीं है, प्योर डी सी का मतलब स्ट्रेट लाइन, द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन बोथ सेम, ओके, बोथ आर कॉन्स्टेंट, दैट द करंट विल बी डी सी करंट, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, सॉरी मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, डायरेक्शन सेम है, ओके, तो प्योर करंट प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हम एसी को, लेकिन हाँ ये पक्का है, ये सर्टेन है कि हम यहाँ से डीसी उठाएंगे, ओके, और फ्लक्चुएशन इतनी तेज़ी से होगा कि हम देख भी नहीं पाएंगे, ओके, हम नहीं देख सकते, इनके बीच में जो डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, और उतने टाइम के डिफरेंस को अपन लोग नेग्लेक्ट मानते हैं, उसको आप कंसिडर नहीं कर सकते विद अ ह्यूमन आई, ओके, विद अ ह्यूमन ईयर और नॉर्मल थिंग्स, ओके, उतार लो इसको, उसमें सब कुछ थ्योरी व्योरी वही लिखनी है जो मैंने आपको लिखाई, मतलब सुनाई, केवल और कोई कुछ नहीं, ठीक है। सो राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अ इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है, एक बहुत इम्पोर्टेंट थिंग हम अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्या, उसका नाम है जीनर डायोड, ही वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है, हु केयर्स वट वॉज द फुल नेम ऑफ जीनर, ठीक है, किसी को मतलब नहीं है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी है यहाँ पे, है ना, वी आर हेयर टू स्टडी फिजिक्स, सो जीनर ने जो भी किया उसको पढ़ेंगे, जीनर का नाम क्या था, जीनर के मम्मी पापा का क्या नाम था, उसका जो है बर्थ कब हुआ, इससे मतलब नहीं है, उसने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी, उसकी डिग्री कौन सी थी, परसेंटेज क्या आई, है ना, उसने किससे शादी की, कितने बच्चे थे उसके बच्चे अब क्या करते हैं, इनसे मतलब नहीं है, जीनर डायोड में हमें जीनर्स के केवल वर्क से मतलब है, ठीक है, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, ओके, सो अपन लोग उसकी साइंस की बारी बात करें, ही सेड कि ठीक है, डोपिंग तो हर कोई प्लेयर करता ही है, ठीक है, ही सेड कि डोपिंग तो हर कोई प्लेयर करता ही है, एज आई मैंशन बिफोर कि डोपिंग मैंने जब समझाई थी आपको, ओके,
तो मैंने आपको समझाया था कि डोपिंग क्या है, कैसे किया किया क्यों किया। तो आपको ये भी पता है, आप सब लोग प्लेयर्स हैं आप में से कहीं, और आपके यहाँ क्रेज है, ठीक है, खिलाड़ी में खेलने का क्रेज़ होता है आप लोगों में, ठीक है। सो यू आर द प्लेयर्स, सो यू नो व्हाट इज़ डोपिंग, और हर कोई डोपिंग करता है, हल्की हल्की सी, हल्की हल्की सी, है ना। और कुछ कुछ चीज़ों की डोपिंग, कुछ कुछ ड्रग्स लीगल भी हैं, जिनको डोप करना गैरकानूनी नहीं है, ओके। जैसे कैफीन, जैसे क्या नाम, ये जो चाय और कॉफ़ी में होता है, मैं तो नॉर्मल की बात करूँगा, इससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। पता चला किसी ने मेरे पे केस कर दिया, ठीक है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन कुछ कुछ प्लेयर्स वो भी होते हैं जो हैवीली डॉप कर जाते हैं, ठीक है। जैसे कि शारापोवा, आपको शायद नाम जानते हो, है ना। इसने शायद एक किसी गेम में इसने हैवीली डॉपिंग कर ली थी, ड्रग्स की डॉपिंग इसको ज़्यादा हुई थी, वो पकड़ी गई थी और उसको निकाल दिया गया था गेम से, ठीक है। मुझे नहीं पता, रशिया में हुआ था शायद वो, पता नहीं, शायद कोई और नाम भी हो सकता था, मेरे को मरिया शारापोवा का नाम याद है, ओके। सो शी वाज द थिंग दैट डॉप्ड, पकड़ी गई थी, ओके। बट एक चीज़ देखी गई कि जब कोई प्लेयर बहुत हैवीली डॉप कर लेता है अपने आप को, तो उसकी इम्यूनिटी और उसकी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। यही चीज़ जीनर ने देखी, ठीक है। जीनर देख कि भाई हैवीली डॉप कर लें हम तो क्या होगा, आप डोपिंग का जो रेशियो है 1:10^6 को बढ़ा दो, इंक्रीज कर दो, और व्हाट विल हैपन एट दैट टाइम, ठीक है, क्या होना चाहिए, हो क्या अगर, ठीक है, देखा गया व्हाट विल हैपन, ओके। ही हैवीली डॉप्ड द पीएन जंक्शन, ओके, पीएन डायोड, ओके ओके। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी नेगेटिव चार्ज एंड देयर विल बी पॉजिटिव चार्ज, एज दिस डायोड इज हैवीली डॉप्ड, दिस डायोड इज हैवीली डॉप्ड, देन देयर विल बी अ ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर विल बी अ ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड, बट द पोटेंशियल विल रिमेन सेम। यही तो कॉन्सेप्ट है भाई, पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, द बैरियर पोटेंशियल जो है, द बैरियर पोटेंशियल, द बैरियर पोटेंशियल विल रिमेनिंग विल गोइंग टू बी रिमेन सेम। ये देखा गया, पोटेंशियल बैरियर में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। आदमी अभी भी आदमी दिख रहा था, उसके जो है ना हैवी डॉप होने के बाद उसने यहाँ पे सिर में इसके यूनिकॉर्न वाला सींग नहीं निकला, ठीक है। ही इज नाउ स्टिल नाउ लुकिंग लाइक अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन बींग, ओके ओके। तो उसकी जो पोटेंशियल है, जो द पोटेंशियल ऑफ द मैन है, वो सेम रहा, वो क्या रहा, सेम रहा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई, ठीक है। जरा देखें तो हम जरा एक फॉर्मूला देखें, E was V by D, V by D, V is same, E is increased, so मेरे ख्याल से D को डिक्रीज हुआ होगा, D has to be decreased to make the potential constant, isn't V equal to E into D, if E increase, D has to decrease to make the potential constant, पोटेंशियल को कांस्टेंट बनाने के लिए डी को पतला होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, और ई को बढ़ना पड़ेगा। दैट मींस इन दिस केस इन जीनर डायोड, इन जीरन डायोड, द पोटेंशियल बैरियर और द डिप्लीशन लेयर, विच एट दिस थिंग एज डिप्लीशन लेयर, द डिप्लीशन लेयर थिकनेस डिक्रीजेस, डिप्लीशन लेयर थिकनेस डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस बट द पोटेंशियल बैरियर रिमेन सेम, ओके। नाउ अब जीनर डायोड है, पहले मैं बता दूं आप लोगों, जीनर डायोड है उसको हम हमेशा ऑलवेज रिवर्स बायसिंग में यूज करते हैं, वी ऑलवेज यूज जीनर डायोड एज रिवर्स बायसिंग, ओके। रिवर्स बायसिंग में यूज करेंगे,
इन दैट मोमेंट व्हाट विल हैपन, जीनर डायोड को कभी भी फॉरवर्ड बायसिंग में यूज नहीं किया जाता, समझा दूंगा क्यों। ओके, व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट, नेगेटिव चार्ज वॉज गिवन टू इट, पॉजिटिव चार्ज विल गिवन टू इट, द सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपन हियर, सेम थिंग विल गोइंग टू बी हैपन हियर। बट इससे हमें एक 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 जो चीज़ थी हमें उससे फ़ायदा मिला, क्या मिला देखो लिखो, इन रिवर्स बायसिंग नॉर्मल डायोड गेट बर्नड अप, ये चीज़ देखी गई, बर्नड अप ये चीज़ देखी गई कि इन रिवर्स बायसिंग नॉर्मल डायोड जो होगा, यदि मैं नॉर्मल डायोड यहाँ रखूँ जीनर की जगह, सो व्हाट विल हैपन टू दैट, कि इससे पहले कि उसका ब्रेक डाउन हो, बिफोर इट्स ब्रेकिंग डाउन, ओके, बिफोर इट्स ब्रेक डाउन ऑफ डिप्लीशन लेयर, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन व्हेन यू वर आस्क्ड दैट कि व्हाई वी यूज जीनर डायोड इन रिवर्स बायसिंग, ओके, क्यों यूज करेंगे। ओके, तो जब हम रिवर्स बायसिंग में ब्रेक डाउन वोल्टेज की बात करें, ठीक है, टू ब्रेक डाउन दिस डिप्लीशन लेयर, व्हाट विल हैपन, इट वाज सीन दैट कि इन रिवर्स बायसिंग द नॉर्मल डायोड वर बर्नड अप, वो जल जाते हैं, तो वो तो फेलियर हो गया ना, वो तो फेलियर हो गया, कोई चीज़ जल गई, हमें जलानी नहीं थी, ठीक है, हमसे उसको एक्सपेरिमेंट कराना था, काम कराना था, बट इट कॉन्ट बर्नड अप, तो बर्नड अप हो गई, जल गई, ख़त्म हो गई, तो अब हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, हम एक्सपेरिमेंट कैसे करें, तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा था, इसीलिए दैट्स वाई वी यूज हैवीली डॉप्ड, ओके, दैट्स वाई हैवीली डॉप्ड डायोड कम्स इनटू पिक्चर, ओके, हमारे चलचित्र में, पिक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं, चलचित्र, द चित्र विच चलता है, ओके, फिल्म को कहते हैं, वैसे तो ये पिक्चर है, ओनली चित्र कहेंगे इसको, ओके, तो हमारी जो फिल्म थी, हमारी जो स्टडी थी, ओके, इन दैट स्टडी द थिंग वॉज हैवीली डॉप्ड डायोड कम्स, वो आ गए क्योंकि उनकी ज़रूरत थी हमें, ओके, ठीक है, तो वी डिड दैट कि भाई अपन लोग हैवीली डॉप्ड डायोड को यूज़ करते हैं, व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट, कि ड्यू टू द हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड बट द सेम पोटेंशियल, ड्यू टू द हैवी इलेक्ट्रिक फील्ड बट द सेम पोटेंशियल, इट नेवर गोइंग टू बी बर्नड अप, ओके, वो सस्टेन कर जाती है क्योंकि उसके पास एनर्जी अच्छी खासी रहती है ना, इट कंटेन सम एनर्जी, उस एनर्जी को फ्लो करके वो अपने आप को जलने से बचा लेती है, ओके, देखो सीधी सी बात है कि मैं सिलिका में फॉस्फोरस या इधर एल्यूमिनियम डालता हूँ, ठीक है, तो एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस के जो बर्निंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा हैं, ठीक है, सिलिका का भी ज़्यादा है, फॉस्फोरस का कम होता है, फॉस्फोरस तो तुरंत जल जाता है, ओके, एल्यूमिनियम का ज़्यादा है, सिलिका का ज़्यादा है, यदि मैं इनकी वैल्यू बढ़ाऊँ तो ऑब्वियसली बात है बर्निंग कम, छोटे टेम्परेचर पर नहीं होगी, ओके, जल्दी से नहीं होगी, ऊपर से यदि मैं बात करूँ यहाँ पे सिलिका इज अ सेमी कंडक्टर, फॉस्फोरस इज लेस कंडक्टर, वो तो कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं, ओके, और एल्यूमिनियम इज अ गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर, सो एल्यूमिनियम क्या होगा, एल्यूमिनियम उनको वे देगा जाने के लिए, इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर से इधर जाना चाह रहे थे P n2p, ओके, सो उनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो कम लगेगा, कोलिजन की वजह से, जो टकराना है ना उसी की वजह से बर्न अप होंगे, टकराना है उसी की वजह से बर्न अप होंगे, ओके, वो कम हो जाएंगे, बर्निंग कम हो जाएगी, ठीक है, कोलिजन्स कम हो जाएंगे क्योंकि ये कंडक्टर हो जाएगा, ओके, बहुत सारे तामझाम हैं, आपको पढ़ने भी नहीं उतने, बस जस्ट आप इतना याद रखो कि टू प्रिवेंट द बर्निंग ऑफ डायोड,
इन रिवर्स बायसिंग वी यूज हैविली डॉप्ड डायोड एंड दिस हैविली डॉप्ड डायोड इज कॉल्ड एज ज़ीनर डायोड. दिस हैविली डॉप्ड डायोड इज कॉल्ड एज ज़ीनर डायोड इज कॉल्ड एज ज़ीनर डायोड इज कॉल्ड एज ज़ीनर डायोड. ओके द सिंबल ऑफ द ज़ीनर डायोड लुक एट हियर. This is the Zener diode symbol it is always in reverse biasing. Okay, this is the symbol of Zener diode. Clear hai. Okay, hatai chaliye. Now look at the one application of Zener ka ek application dekhte hain. और वाई वी यूज़ ज़ीनर इन दैट थिंग और उसकी जगह नॉर्मल डायोड क्यों नहीं लेते. तो नॉर्मल डायोड केवल और केवल एक ही रीज़न है वाई वी डोंट यूज़ नॉर्मल डायोड. ओके एंड वी यूज़ ज़ीनर डायोड बिकॉज टू प्रिवेंट द बर्निंग. ओके सो वी कैन यूज़ रीयूज़. ठीक है सो वी कैन मल्टीपल टाइम यूज़ ऑफ डायोड. ओके अपने को ऐसा ना हो कि बार बार चेंज करना पड़े डायोड. भाई जल गया डायोड चेंज करो हर दिन यही काम है ना. डायोड वैसे सस्ते आते हैं, ज़्यादा महंगे नहीं होते, लेकिन हैवीली डायोड थोड़ा महंगा होता है. नॉर्मल डायोड बहुत छोटे छोटे से कभी किसी को अपना कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किसी भी अप्लाइंसेस में, जैसे एम्पलीफायर होता है, मोबाइल होता है, ठीक है, मदरबोर्ड है. ओके उसमें आपको सिलेंड्रिकल मिलेंगे डायोड ऐसे तरीके के छोटे छोटे से बने हुए सिलेंडर से चुटुटुटुटु. उसमें से आपको जज करना होगा कि कैपेसिटर है या डायोड है. ठीक है उसमें से जज करना होता है. कैपेसिटर भी वैसे सही होते हैं. तो उसमें यदि दो मार्क निकले में ऐसे तो दैट इज डायोड. वो क्या है? डायोड है, पक्का डायोड है. ठीक है तीन निकले हुए हैं तो वो ट्रायोड है. ट्रायोड आपके सिलेबस में है तो ट्रांजिस्टर की फॉर्म में, लेकिन बहुत कम है उसका यूज़. ओके मैं देख रहा हूँ उसके क्वेश्चंस भी नहीं आते ज़्यादा. हाँ डायोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में. और अभी मैं आपको बताऊँ, एक खुशखबरी दूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसका मुझे पता चला कल, मेरे को उसने कॉल किया कि सर कॉन्ग्रेचुलेशन. मैं कहा क्या हुआ? सर नीट में मेरे 655 जने 65 ऐसा कुछ नंबर आया, 665 और 655 आई डोंट नो कितना था, 665 ही है शायद. मैं कहा बहुत अच्छी बात है, ये तो मतलब अच्छा हो गया. ठीक है तो वो बहुत खुश था कि सर मतलब बहुत मज़ा आ गया नंबर ला के, तो मज़ा बांध दिया. मगर चलिए अच्छी बात है, तुम्हारे लिए कंग्रेचुलेशन है. ओके 720 में से 665 मार्क्स आए उसके. ओके सो मैं उससे ज़्यादा डिटेल में पूछा नहीं क्योंकि वो अब मेरा स्टूडेंट नहीं था. ठीक है हाँ उसको मैंने फेबररी तक पढ़ाया उसके बाद नहीं पढ़ाया मैंने. तो उसमें जो नए टीचर हैं उनका भी क्रेडिट है, मेरा भी क्रेडिट है, वो बात अलग है क्योंकि दो साल तो मैंने ही पढ़ाया उसको. ओके उसका बेस, उसकी सारी स्टडी तो मैंने ही करवाई. ठीक है तो मैं बड़ा खुश था कि चलिए बढ़िया है, इस साल किसी ने तो रिजल्ट दे दिया, मेरी नाक बचा ली इस साल की. ठीक है अभी दो तीन बच्चे और हैं जो आएंगे जो बताएंगे कि सर रिजल्ट क्या है. एक लड़का है पता नहीं कौन है, वो 720 नंबर ले आया. सोचो जरा लोग थोड़ा मोटिवेट उस बंदे से हो कि ही स्कोर्ड आउट ऑफ इन नीट. ओके कुछ नहीं छोड़ा उसने, रिकॉर्ड बना दिया. ऐसा रिकॉर्ड टूटेगा ही नहीं, तोड़ ही नहीं सकते, टाई कर सकते उसके साथ. ओके आप मैच कर सकते हो उसका 720 का रिकॉर्ड, बट ब्रेक नहीं कर पाओगे, दैट इज़ अ रिकॉर्ड. ऐसा रिकॉर्ड आप भी बनाओ, मैं चाहूँगा आपको भी 720 मार्क्स आए. आ सकते हैं, जब किसी के 665 भी आ सकते हैं तो 720 भी आ सकते हैं. ठीक है और आए हैं ऐसा नहीं. चलिए ठीक है छोड़िए. एप्लीकेशन ऑफ ज़ीनर. तो देखो ध्यान से सुनो सब चीज़ें. इसमें आपको एक ही एप्लीकेशन पढ़ना है, हालांकि देर आर लॉट्स ऑफ मैनी यूजेज ऑफ ज़ीनर, सो बट वी आर ओनली गोइंग टू बी डिस्कस वन. ठीक है क्योंकि हमारे सिलेबस में एक ही है. ओके ज़ीनर डायोड as a voltage regulator. ठीक है ध्यान से सुनो,
ध्यान से सुना इस चीज़ को, केवल और केवल इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, राम कहानी है, ठीक है। हमें यही समझना है कि सीता किसका बाप था, ठीक है, और राम तो राम ही है, राम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, हम सीता जी के भी बारे में कोई नहीं करेंगे, राम 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 राम, ओके ठीक। हाँ तो देखिए क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर, यू नो व्हाट इज वोल्टेज रेगुलेटर। देखो क्या होगा कि इफ़ आई डू वन थिंग कि मैं अपने बल्ब है ये, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है उसका कुछ भी है, 5 वाट का है, ओके 5 वाट का है, ओके 5 वाट का नहीं लेते, वोल्टेज में लेऊंगा ताकि मैं आपको सिंपली समझा सकूँ। 50 वोल्ट पे वर्क कर सकता है दिस बल्ब, कैन ओनली वर्क ऑन 50 वोल्ट, ओके। चलिए यहाँ पे उसको आउटपुट आ रहा है, क्या होगा, व्हाट विल हैपन कि कभी वोल्टेज ज़्यादा होगी, कभी वोल्टेज कम होगी। यदि यहाँ पे वोल्टेज 100 वोल्ट की है, 100 वोल्ट की वोल्टेज आ रही है, ओके, एंड ऑल्सो इट इज़ एन एसी वोल्टेज, ओके, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ओके। सो द वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, दैट मीन्स दिस इज द पीक वैल्यू, अपन लोग ये मान लेते हैं पीक वैल्यू है 100 वोल्ट, तो ये 100 वोल्ट से माइनस 100 वोल्ट तक जा रही है, ओके, बट इट कैन सस्टेन ओनली 50 वोल्ट। जब तक वोल्टेज 50 होगी तब तक ये जलता रहेगा, 50 से ऊपर हो गई तो क्या होगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा, बल्ब खराब हो जाएगा। अब या तो हम एक काम करें, यहाँ पे हम एक ऐसा बल्ब लगाएं जो इतना तक झेल जाए, ओके, या फिर इसको भी इसी को कम कर दें। तो क्या हम ऐसा करें कि हर सॉकेट पे एक ट्रांसफार्मर लगाएं छोटा सा, हर सॉकेट पे ट्रांसफार्मर लगाएं, इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, हूँ। या जब भी हमने एक सॉकेट लगाया हुआ है 3 प्लग वाला जैसा, ठीक है, उसमें हमने एक स्विच लगाया, अब देखो लैपटॉप चार्ज करना है तो अलग ट्रांसफार्मर लगाओ, है ना, मोबाइल चार्ज करना है तो अलग ट्रांसफार्मर लगाओ, ओके, उससे कोई गाना वाना चलाने के लिए स्पीकर वगैरह लगाने तो अलग ट्रांसफार्मर लगाओ, यही काम रह गया ना, और कोई काम धंधा तो है ही नहीं हमारे पास, नौकरी वोकरी तो करनी नहीं, पढ़ाई वढ़ाई तो करनी ही नहीं, है ना, पढ़ लिख के किसका भला हुआ है, यही काम करेंगे बस, ट्रांसफार्मर पर ट्रांसफार्मर लगाते रहेंगे। या हम और कुछ कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, हम एक हर सॉकेट पे अपना एक अलग अलग जीनर डायोड दे देते हैं, हर को दे देते हैं, वो क्या करेगा, वो रेगुलेट करेगा, कैसे करेगा, देखो ध्यान से, यहाँ से पूरा सर्किट आ रहा है, ओके नाउ हियर अपन लोग एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक है, जो सप्लाई रेजिस्टेंस है, एक्चुअली ये रेजिस्टेंस इस वायर का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम अपना बल्ब लगाएंगे, वी प्लेस आर बल्ब हियर, और ये जो एल टाइप है इसको अपन लोग ख़त्म करते हैं विद द रिवर्स बायसिंग ऑफ जीनर, ठीक है। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे अपन लोग एक काम करते हैं, रेक्टिफायर लगा के काम करेंगे इस चीज़ को, ओके, क्योंकि हमारे सिलेबस में एसी वाला सर्किट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो अपन लोग इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हाई वोल्टेज दे दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया है एक जीनर डायोड, क्या कनेक्ट किया, एक जीनर के आगे जेड बना दो, जीनर हो गया, ओके, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, सो इट इज़ इन रिवर्स बायसिंग, ये पॉजिटिव होना चाहिए लेकिन नेगेटिव किया, दैट मीन्स रिवर्स बायसिंग है, ओके, व्हाट विल हैपन नाउ, लेट्स सी, इसकी जगह बल्ब की जगह मैं रेजिस्टेंस लगा दूँ, RL, लोड रेजिस्टेंस, व्हाट विल हैपन नाउ, सी, लुक एट हियर, फ्रॉम हियर देर विल बी अ करंट, IS, सप्लाई करंट, ओके, लेट देर इज अ करंट लोड रेजिस्टेंस की, तो उसको अपन लोग लोड करंट बोल देते हैं, व्हाट विल हैपन नाउ, लेट्स सी हियर, इफ दिस रेजिस्टेंस या दिस लोड, ओके, कैन सस्टेन ऑन IS, यदि ये सस्टेन कर सकता है IS पे, और IS into RS जो भी पोटेंशियल होगा यहाँ पे, ओके,
जो भी यहाँ पे पोटेंशियल आ रहा होगा, आई एस इन टू आर एस आ रहा होगा, वी एस मान लो, ओके वी एस, ओके इतना तो नहीं आ रहा होगा, वी एस की वैल्यू वी माइनस समथिंग होगी, ठीक है, आई एस आर एस, ओके। तो यहाँ पे यदि ये इस वोल्टेज पे सस्टेन कर सकता है तो व्हाट विल हैपन एट दैट मोमेंट, डायोड विल बी इन रिवर्स बायसिंग, ठीक है, उसमें क्या होगा, डायोड रिवर्स बायसिंग में रहेगा और ब्रेक डाउन नहीं होगा उसका, क्यों, एग्जाम्पल देख लो, अपन लोग क्या करेंगे, जो यहाँ से पोटेंशियल आ रहा है ना वी एस, ओके, जो पोटेंशियल आ रहा है वी एस की वैल्यू वी माइनस आई एस आर एस, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना इस रेजिस्टेंस की वजह से, स्विच ऑफ लगा दियो, ओके। सो लुक एट हियर कि जो भी वी एस होगा वी माइनस आई एस आर एस, जो ये पोटेंशियल यहाँ पे आएगा, इफ दिस कैन सस्टेन, हम यहाँ पे डायोड इस तरीके से लगाएंगे, जो अपना जीनर डायोड होगा वो इस तरीके से लगाया जाएगा कि इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज बी डी, वी भी लिख दूँ तो मैं, ठीक है, दिस ओनली बी इक्वल, और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए वैसे तो, लेकिन अपन लोग इक्वल देंगे, ठीक है, इक्वल टू वी एस, जो इसका ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो हमेशा किसके इक्वल होगा, सप्लाई वोल्टेज के इक्वल होगा, इस वोल्टेज के इक्वल होगा जो यहाँ पे आ रही है, ओके, क्लियर है, क्लियर है। नाउ व्हाट विल हैपन कि इफ इट इज इक्वल टू दिस, ओके, ये यदि इक्वल है तो इसका ब्रेक डाउन होने की पॉसिबिलिटी है, यदि सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज, इफ लिख दे रहा हूँ मैं, इफ सप्लाई वोल्टेज इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ जीनर, व्हाट विल हैपन, जीनर डायोड, ओके, जीनर की ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम है तो क्या होगा, यहां से करंट फ्लो करेगी क्या, नो, देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू जीनर, व्हाई, एज इट इज इन रिवर्स बायस, और रिवर्स बायस में यदि ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम वोल्टेज है तो करंट फ्लो करेगी ही नहीं, हाँ या ना, याद करो, देर विल बी नो करंट, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस जीनर डायोड एंड ऑल करंट विल फ्लो थ्रू आरएल, एंड एज आरएल कैन सस्टेन ऑन दिस पोटेंशियल, इट विल हैपन, मैं लिख देता हूँ, इट विल हैपन व्हेन आरएल कैन सस्टेन एट पोटेंशियल, सप्लाइड पोटेंशियल, ओके, सप्लाइड वोल्टेज पे सस्टेन कर सकता है तब ऐसा होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि इफ वी एस इज ग्रेटर देन वी बी डी, नाउ अपन लोगों ने पिछली कंडीशन देख ली कि वी एस वॉज इक्वल और लेस देन वी बी डी, तब का था ये, अब बात है कि वी एस इज इक्वल और ग्रेटर देन वी बी डी, क्या होगा, व्हाट विल हैपन राइट नाउ, लुक एट हियर, व्हाट विल हैपन कि यहाँ का ब्रेक डाउन हो जाएगा एज यू नो इन रिवर्स बायस, बहुत बड़ी करंट फ्लो करेगी आई जेड बोल दो उसको, आई जेड बोल दो, बट द पोटेंशियल एज दीज टू आर इन पैरेलल, सो द पोटेंशियल यहाँ पे जितना होगा वहाँ पे भी इतना होगा, जितना यहाँ पे पोटेंशियल उतना यहाँ पे पोटेंशियल, देखो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, हाँ या ना, द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल विल बी बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा, पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा यहाँ से यहाँ पे चेंज नहीं आएगा, और वी एस बहुत कितना भी बड़ा हो उसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा नहीं बन पाएगा, ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा पोटेंशियल, जितना पहले था उतना ही रह पाएगा, वी बी डी जितना ही, ठीक है, एट दैट टाइम पोटेंशियल अक्रॉस जीनर विल बी ऑलमोस्ट
सेम एंड इक्वल टू वी बी डी, इक्वल टू वी बी डी। लुक एट हियर, हम कितना भी पोटेंशियल अप्लाई कर दें यहाँ पे, कितना भी दे दें, लेकिन उसका पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू करंट, करंट के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ओके, सो इस कंडीशन के कारण, ड्यू टू दिस कंडीशन, यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल सेम रहेगा, और वो कितना रहेगा, वी बी डी। उसको अपन लोग थोड़ा सा चेंज होता है, हल्का फुल्का, उसको अपन लोग नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो द पोटेंशियल विल रिमेन सेम अक्रॉस दिस एंड दैट विल बी इक्वल टू वी बी डी। ओके, मैंने लिख दिया, पोटेंशियल वही रहेगा वी बी डी। सो होल करंट विल फ्लो थ्रू दिस, ओके, बट देयर इज अ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे भी पोटेंशियल तो है ना, एंड पोटेंशियल है और आर एल भी है, सो देयर विल बी अ स्मॉल करंट। सो और क्या होगा, देखो, हमारी आर एल कैन सस्टेन ऑन बी डी, हम इस तरीके से रखेंगे कि इट कैन सस्टेन ऑन वी बी डी, एज आर एल कैन सस्टेन ऑन वी बी डी ऑफ जीनर, सो एंड जीनर इज इन पैरल विद आर एल, सो द आर एल कैन बी सेफ। आर एल क्या होगा, सेफ हो जाएगा। यदि यहाँ पे ज़्यादा पोटेंशियल मैंने डाल दी, यहाँ से हैवी पोटेंशियल मैंने डाल दी अक्रॉस आर एल, तो क्या होगा, आर एल बढ़ जाएगा, मैंने आपको समझाया। बट यहाँ पे अभी पोटेंशियल तो इंक्रीज ही नहीं हो पाया, यहाँ से जाए कितना भी आ जाए, कितना भी आ जाए, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज ही नहीं हो पाया। ओके, यहाँ पे हम कितना भी लगा दें, यहाँ पे पोटेंशियल उतना ही रहेगा वी बी डी जितना, हल्का फुल्का चेंज होगा उससे। ओके, सो आर एल विल बी सेफ रहेगा, आर एल कितना रहेगा, कितना नहीं मतलब सेफ रहेगा, और आई एल कितना होगा यहाँ पे इस समय, एट दिस टाइम आई एल करंट लोड करंट कितनी होगी, उससे पिछले वाले केस में जब ये जो वी था वी बी डी से छोटा था, एट दैट टाइम आई एल वॉज इक्वल टू आई एस, आई एस के इक्वल था आई एल, बट नाउ आई एल विल बी इक्वल टू आई एस माइनस आई जेड, आई एल विल बी इक्वल टू आई एस माइनस आई जेड, और आई एस बहुत बड़ा होगा और आई जेड उस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। ओके, आई जेड बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, उसमें से मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा आई एस के। इफ़ आई टेक आई एस एज 4 एम्पियर देन आई जेड विल बी 3.99 एम्पियर, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आई एस, सो आई एल विल कम इक्वल टू 0.01 एम्पियर। तो वो छोटी करंट है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि नेग्लेक्ट कर सको, 1 मिली एम्पियर इज़ अ ह्यूज करंट। ओके, अच्छी करंट होती है। आप यदि अपने चार्जर, मोबाइल का चार्जर आपके सबके पास होगा, उसमें देखो तो वहाँ पे आपको मिलेगा 5 मिली एम्पियर वोल्ट, ठीक है, वोल्टेज उसमें पता नहीं कितनी लिखी होती है, 5 या 10 वोल्ट लिखा होता है शायद उस पर, लेकिन जो एम्पियर होता है करंट होता है वो मिलीज में होती है, मिली में, तो बहुत बड़ी करंट होती है मिलीज में भी। तो दिस वॉज द एप्लीकेशन ऑफ जीनर। ओके, एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड what is the concept of LED, light emitting diode, what is the concept of light emitting diode, तो उतार दो उसको पहले। light emitting diode पढ़ा के आज खत्म करेंगे कहानी। ओके, एंड दिस लेक्चर, यू आर सीइंग दिस लेक्चर ऑन मंडे, ओके, एज पर माई रिकॉर्ड, तो इसको अपन लोग इस चैप्टर को नेक्स्ट वीक, मतलब इस वीक में जो आ रहा है आपका, जो 19th of October से स्टार्ट हो रहा है, इन दैट वीक योर सेमी कंडक्टर विल बी कम्प्लीटेड, श्योरली कम्प्लीटेड। ओके, एंड मेरे ख्याल से what I am thinking कि बिफोर दिवाली, ठीक है, अपन लोग सिलेबस क्लोज कर देंगे, ये मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है देखिए। सो LED, लाइट एमिटिंग
डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड, क्या था ये? ओके, देखो कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत ही सिंपल किया, कुछ नहीं, बहुत आसान है, सिंपल है, कुछ नहीं करना। दिस इज अ डिप्लीशन लेयर, दिस इज पॉजिटिव। डू वन थिंग, डू वन थिंग, मेक डायोड कनेक्ट इन फॉरवर्ड बायसिंग, पुट द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, पुट द डायोड इन फॉरवर्ड बायसिंग, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन भाई? यहाँ से इलेक्ट्रॉन उछक उछक के यहाँ जाएंगे, उछक उछक के यहाँ जाएंगे, एंड डिप्लीशन लेयर वॉज ब्रेक्ड। ओके, डिप्लीशन लेयर वॉज ब्रेक्ड, बहुत आसान है, सिंपल है, लिख ले हो उसके बाद आप लोग। आई एम टेलिंग यू द प्रोसेस वट विल हैपन इन द लाइट एमिटिंग डायोड। ओके, वट विल हैपन, द कंसेप्ट इज दैट कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएंगे, ओके, यहाँ से यहाँ जाएंगे और वे होल्स को फिट करेंगे, होल्स को फिट करेंगे, ठीक है, और होल्स में जाके ख़त्म अपना नग। तो क्या होगा कि यहाँ पे आयन बनेंगे, नेगेटिव आयन्स, ओके, नेगेटिव आयन्स, एंड एज यू नो, आपको लोग जानते हो आप लोग ये कि व्हेन नेगेटिव आयन्स और द इलेक्ट्रॉन्स कम इनटू एक्साइटेड स्टेट, जब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में आते हैं, है ना, तो वे क्या करते हैं, दे गो टू देयर ग्राउंड स्टेट, दे गो टू देयर ग्राउंड स्टेट। इस वर्ड्स को लिख लेना, इनको भी जो भी बोल रहा हूँ, कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एज दे आर गोइंग टू होल्स, ओके, एंड मेकिंग द नेगेटिव आयन्स, सो दे आर गेटिंग एक्साइटेड, ओके, दे आर एक्साइटेड एट दैट टाइम, सो इन द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन रिलीज सम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज सम एनर्जी, ओके, एंड कम्स टू देयर ग्राउंड स्टेट, ओके, कम्स टू देयर ग्राउंड स्टेट, व्हाट हैपन, देखो मैं समझाऊँ आपको, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके चला 10 जूल एनर्जी, इतनी नहीं होती, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लो, ठीक है, वो भी बहुत है, ओके, सो नाउ इट जम्प्स टू दिस होल, बट इस होल में जाने के लिए, इन दिस होल इलेक्ट्रॉन हैज टू बी एट -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, इस होल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट इलेक्ट्रॉन हैज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, इलेक्ट्रॉन के पास कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है, सो व्हाट विल हैपन, इट हैज टू रिलीज देयर एनर्जी, इट हैज टू रिलीज हिज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन हैज टू रिलीज इट्स एनर्जी, और कहाँ तक, -1.5, मतलब 10 माइनस ऑफ -1.5, इट विल कम 11.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी छोड़ेगा। मैं मतलब कोई मैं आपको डाटा नहीं दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये चीज़ कि मैं ये कोई परफेक्ट डाटा नहीं है, ये जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू, ओके, इट्स जस्ट एन एग्जांपल फॉर यू, आई एम सेइंग दैट कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से हैवी एनर्जी लेके चलेगा, बट वो जब होल में जाएगा तो वो एक्साइटेड होगा, व्हाई इट इज़ एक्साइटेड, एज इट हैज़ लार्ज एनर्जी, बट होल में रहने के लिए उसको कम एनर्जी चाहिए, हॉल में रहने के लिए कम एनर्जी चाहिए। आपको पता होगा कि जब कोई मेहमान गेस्ट घर में आता है, ठीक है, उसके साथ कोई बच्चा होता है ना, तो बच्चा डजेंट नो आर रोल, हमारे घर के रोल वो नहीं जानता, वो एक्साइटेड होता है, वो उठा पटक करता है ना, वो किसी खिलौने को देखता है, खिलौने को तोड़ता है, ये करता है, वो करता है, तब हमारी मम्मी उसको डांट लगाती है, ए अभी बताऊँ, है ना, तो ही गेट कूल डाउन। इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी तो यही कॉन्सेप्ट है, यही तो होगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ। इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को हम एक्साइटेड देखेंगे जैसे ही होल के पास पहुंचने वाला होगा, बट होल बोलेगा ना 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 मुन्ना, मेरे को इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, मैं बढ़ जाऊंगा, तो एक काम कर, एनर्जी छोड़ के तब अंदर आ, एनर्जी छोड़ अंदर आ जा। इलेक्ट्रॉन करता है बिल्कुल जी, हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो वही करेंगे, एनर्जी छोड़ दी अंदर आ गए। नाउ द इलेक्ट्रॉन रिलीज सम एनर्जी, that energy will released by the electron will be in the form of EMW, that energy were released by the electron will be form of EMW, electromagnetic wave,
एंड व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको ही तो हम लाइट बोलते हैं, इसी को तो हम लाइट बोलते हैं. और इफ इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस EMW रिलीज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज इन द रेंज ऑफ विजुअल एनर्जी, ठीक है, ये विजुअल रेंज के बीच में हो, विजुअल फ्रीक्वेंसी के बीच में हो, सो वी कैन सी दिस, वी कैन सी दिस लाइट. और हम इसी तरीके से इसमें डोपिंग करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हो रिलीज देयर एनर्जी विद इन द विजुअल रेंज दैट इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर. ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया. इसको अपन लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग, ये नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉन्ग, बात सेम है. ओके, एंगस्ट्रॉन्ग का मतलब 10^-10, नैनोमीटर का मतलब 10^-9. ओके, सो लाइट एमिटिंग डायोड जो आप मेरे, मतलब आप नहीं देख पा रहे लेकिन मेरे बोर्ड के जस्ट ऊपर एक लाइट है, LED है, ठीक है, LED ट्यूब है, तो वो भी सेम कॉन्सेप्ट पे काम करती है. उसमें PN जंक्शन लगा हुआ है और वो PN जंक्शन हमने इस तरीके से लगाया हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन जब होल में जाएं न्यूट्रलाइज हों तो दे रिलीज एनर्जी और द एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी इन द रेंज ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉन्ग टू 7000 एंगस्ट्रॉन्ग या 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, और वो इक्वल होते हैं, सारी की सारी वैल्यू इक्वल होती है. दैट्स वाई जो मैं लाइट देख पाता हूँ उससे वाइट लाइट मिलती है मुझे. कौन सी लाइट मिलती है? वाइट लाइट मिलती है. और इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या बोला? लाइट एमिटिंग डायोड. क्या बोला? लाइट एमिटिंग डायोड. इसका उल्टा कॉन्सेप्ट आएंगे कल को बताऊंगा मैं फोटो डायोड में, इससे जस्ट उल्टा फोटोडायोड में. फोटोडायोड में क्या होगा कि हम यहाँ से लाइट डालेंगे इसके ऊपर डिप्लीशन लेयर पे, डिप्लीशन लेयर को ख़त्म करेंगे और करंट फ्लो कराएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोटोडायोड. उससे हम पता कर सकते हैं कि कहीं पे लाइट है कि नहीं, सब चीज़ें हैं, बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है. फिर सोलर सेल भी समझेंगे, आज काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा फिर आपके लिए, और आप मेरे को गालियाँ देने स्टार्ट कर दोगे कि क्या सर है ना, तो मार्कर के गिरने के बाद इसलिए नहीं आई क्योंकि गद्दा है, बैठ गया लगा हुआ है वहाँ पर. ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं, और थैंक यू एवरीवन.